is called decrement operator. So this operator decrements the value of its by operand by one. उसके operand की value को एक कम कर देता है. So the statements counter is equivalent to counter minus one and j is equivalent to j minus one are equivalent to counter minus minus and j minus minus. So the increment operator is further categorized as a pre-increment and post-increment. ये दो आगे categories इनकी define होती हैं pre और post की. So pre क्या होता है और post क्या होता है हम इसको देखते हैं. Similarly the decrement operator as pre-decrement and post-decrement. आप ये जो plus plus है पहले भी लगा सकते हैं variable से variable के बाद भी लगा सकते हैं. In pre-increment, we write the sign before the operand like plus plus j. While in post-increment, the sign plus plus is used after the operand like j plus plus or plus plus j. ये दो तरीके हैं. ये pre है, ये post है. Operator पहले आएगा तो pre, बाद में आएगा तो post है. If we are using only variable increment, pre or post-increment does not matter. अगर आप जो है वो सिर्फ वेरिएबल को इंक्रीमेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर मैटर नहीं करता पहले कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं. लेकिन फर्क क्या दोनों के अंदर वो बताता हूं अभी मैं आपको. सो अगर सिर्फ आपने इंक्रीमेंट करने के लिए ही इस्तेमाल करना है तो आप चाहे ये लिख लें या चाहे ये लिख लें एक ही चीज है, एक ही मतलब है. सो द डिफरेंस ऑफ प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट मैटर्स व्हेन द वेरिएबल इज यूज इन एन एक्सप्रेशन. जब आप किसी एक्सप्रेशन में इसको यूज करना चाहें फिर इट इज evaluated to assign a value to another variable. मिसाल के तौर पर ऐसे सिचुएशन में आपने यूज करना है जहां पर इसका जरूरत है, जहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा है. डिफरेंस जो यहां पर होगा वो क्या होगा, इफ यू यूज द प्री इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ जे इज फर्स्ट इंक्रीज बाई वन. मिसाल के तौर पर मैं साथ साथ आपको ना प्रैक्टिकली एक्सप्लेन भी कर देता हूं. मैं यहां पे लिखता हूं जी इंट एक्स वेरिएबल लेता हूं और मैं सी आउट करवा देता हूं इस एक्स को. ठीक है, अब यहां पे चूंकि कुछ भी नहीं असाइन किया हमने तो ये गार्बेज कोई रफ सी वैल्यू यहां पे शो करेगा जो कि जीरो है. ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं जी एक्स इज इक्वल टू वन. सो एक्स क्या हो गया, वन हो जाएगा. ठीक है, अब प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट का फर्क क्या बताने लगा हूं. अगर आप लिखते हैं एक्स प्लस प्लस, ठीक है, मैं यहां पे ये स्टेटमेंट लिखता हूं. अब मैं आपको दोनों स्टेटमेंट चला के दिखाता हूं. x प्लस प्लस ये क्या करेगा, स्क्रीन पे आपको जो शो करेगा देखिए रिजल्ट क्या है, वन. इसका मतलब क्या है कि इसने पहले प्रिंट करना है फिर ऐड करना है. अब इसी तरह आप लिखते हैं जी प्लस प्लस x, तो पहले ये प्लस करेगा फिर प्रिंट करेगा. दोनों में फर्क है, देखें टू आ गया तो पहले इसने प्लस किया फिर इंक्रीमेंट किया. तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले इंक्रीमेंट करो फिर प्रोसीड करो, पोस्ट इंक्रीमेंट पहले प्रोसीड करो बाद में आप इंक्रीमेंट करो. सो प्री और पोस्ट का कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है क्लियर आपने कर लिया होगा. सो दिस न्यू वैल्यू इज यूज्ड इन एक्सप्रेशन. इफ वी यूज द पोस्ट इंक्रीमेंट तो वो पहले असाइन करेगा उसके बाद जाके जो है वो इंक्रीमेंट करेगा. आफ्टर दैट इट इज इंक्रीज बाय वन. सेम इन द केस इन प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, दोनों के अंदर सेम ये जो रूल इंक्रीमेंट के बताया वही रूल डिक्रीमेंट के भी हैं. जैसे देख लें मैं यहां पे लिखता हूं माइनस माइनस एक्स, तो ये जीरो करके फिर प्रिंट करेगा, ये जीरो करके फिर प्रिंट करेगा. देखें, और अगर आप लिखते हैं एक्स माइनस माइनस तो ये प्रिंट करेगा वन ही, लेकिन वैल्यू इसकी जीरो हो चुकी हुई है. वो अगली बार दोबारा आप एक्स को प्रिंट करेंगे तो वो जीरो होगा. देखें मैं यहां पर दोबारा करता हूं सी आउट ई एन डी एल. आप देखें यहां पे जीरो हो चुकी होगी, ये देखें वैल्यू जीरो है, पहले वन थी फिर जीरो. सो जिस तरह वो इंक्रीमेंट के रूल बताए हैं इसी तरह डिक्रीमेंट के भी रूल काम करते हैं. द सेम फिनोमेना इज ट्रू फॉर द डिक्रीमेंट ऑपरेटर विद द डिफरेंस दैट इज डिक्रीज बाय वन वैल्यू. वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इफेक्ट द वेरिएबल एंड अपडेट इट टू द न्यू इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड वैल्यू. द ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर यूज्ड टू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बाय वेरिएबल बाय वन. नॉर्मली हम इसको लूप्स के अंदर यूज करते हैं लेकिन एक्सप्रेशन के अंदर भी यूज करना पड़ सकता है. देयर मे बी केसेज
when we are incrementing or decrementing the value of a variable by a number other than 1, plus 5, minus 4, इस तरह की situations आती हैं। जैसे मैं कहता हूं कि जी आपने टेबल प्रिंट करवानी है सिर्फ इवन नंबर्स की, तो आप कंडीशन टेस्ट कर लें बैठ जाएंगे, तो वो काम नहीं करना। आप उसके लिए क्या करेंगे उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। दीज ऑपरेटर्स डू टू थिंग्स, दे परफॉर्म एन एक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड डू सम असाइनमेंट्स। दीज ऑपरेटर्स आर प्लस इक्वल माइनस इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल डिवाइड इक्वल और पर्सन इक्वल। So, ये वही काम करते हैं, इन्हें कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। सो दीज ऑपरेटर्स आर कंपेयर्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसे कहते हैं कंपेयर्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो दीज ऑपरेटर्स असाइंड अ वैल्यू टू अ लेफ्ट हैंड वेरिएबल आफ्टर परफॉर्मिंग एन एक्शन, जो भी एक्शन होगा। जैसे यहां पे देखिए, मैं कहता हूं कि जी अब मुझे 5 से करना है ना मल्टीप्लाई, 5 प्लस करना है इसके अंदर, प्लस 5 इक्वल प्लस 5। तो देखें जरा, पहले वो प्रिंट करेगा, पोस्ट है ना, प्री और पोस्ट का ख्याल रखना आपने। सॉरी एक्स प्लस इक्वल 5, सॉरी पहले ऑपरेटर आएगा बाद में जो है वो इक्वल आएगा। अब यहां पे क्या इशू दे रहा है जी, इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं पहले दोबारा। दीज ऑपरेटर्स असाइन a value to the left hand variable after performing an action, x plus equal 5 hona chahiye वैसे इसको, I don't think so, okay, क्यों ये error दे रहा, no matching for operator, the use of this operator is explained by the following example, let's say we have an expression counter is equivalent to counter plus 1 plus 5, the equivalent to the expression is counter plus equal 5, plus equal 5 होना चाहिए इसको वैसे। ओके वो कह रहा है कि जी पहले आप ये काम करें फिर x आप प्रिंट करें, सी आउट के साथ शायद नहीं चलता ये, हाँ सी आउट के साथ ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, अलग से होगा, ये क्रैश कर गया चुके हुआ, एक घंटे का टाइम जो हमने दिया था वो एंटीवायरस का खत्म हो गया, तो मैं इसको वन और के लिए दोबारा डिसेबल कर देता हूं, रिटर्न आईडी 1 आ गया। सो दोबारा एक बार इसको चलाते हैं जी, किसी और नाम से सेव कर लेंगे इसको, देखें जी 6 आ गए, पहले उसने प्लस किया फिर इक्वल किया, इक्वल प्लस बी वर्कआउट करेगा, इक्वल प्लस ये सी आउट के साथ वर्कआउट नहीं कर रहा है यहाँ पे, वैसे होना चाहिए था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। अब देखें 5 आ गया, ठीक है उसने 5 असाइन किया, इंक्रीमेंट नहीं किया, बाद में किया ना इंक्रीमेंट, दोबारा एक्सप्लेन करेंगे तो 6 होगा। ओके सो एट फर्स्ट इट एड 5 टू द वैल्यू ऑफ द काउंटर एंड देन असाइन दिस रिजल्ट टू द काउंटर। इसी तरह ये डिफरेंट मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, सिमिलर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, एक्स प्लस 4 x माइनस 3, ये इसके इक्विलेंट होगी, ये इसके इक्विलेंट है, ये इसके इक्विलेंट है, ये इसी तरह सिमिलरली सारी है। नॉट दैट देर इज नो स्पेस बिटवीन दीज ऑपरेटर्स, इन ऑपरेटर्स के दरमियान स्पेस नहीं देनी गलती से। सो दीज आर ट्रीटेड एज अ सिंगल साइन, सिंगल ऑपरेटर, बी केयरफुल अबाउट द ऑपरेटर दिस। हाँ इसके लिए थोड़ा सा ख्याल रखना जरूरी है, दिस ऑपरेटर असाइन द रिमाइंडर टू द वेरिएबल, प्रॉब्लम कोई नहीं है, पता होना चाहिए करता क्या। सो दीज ऑपरेटर्स are alternates in shorthand for the assignment statement. ये shorthand के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं assignment statement के अंदर. So the use of these operator is not necessary. जरूरी नहीं होता कि हर जगह ये इस्तेमाल करें. जरूरत जहाँ पड़े, जहाँ पे कोई problem, program की logic को आप technically handle करना चाहते हो, वहाँ पे आप इनको use करें. A programmer may use these or not. दोनों options होती हैं. It's a matter of style. आपकी choice के ऊपर depend करता है. यहाँ पे मैं आप आपके लिए एग्जांपल एक छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आपने सम करना है, लेट्स राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू n, एक से लेकर n तक के तमाम नंबर्स के क्या करना है आपने, सम ऑफ द स्क्वायर्स, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, वेयर n इज एन पॉजिटिव वैल्यू
एंटर्ड बाय द यूजर, कहां तक लेके जाना, ठीक है। तो ये जैसे एग्जांपल भी दी हुई है n2, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर पावर, ये बेसिकली पावर्स में है, 1 की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर। अब चूंकि लिखने में यहां पे प्रॉब्लम्स आई, 1 2 आ गया, ये 1 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2 है और ये n की पावर 2 है, सम ऑफ स्क्वायर्स। सो दैट इज योर टास्क, इसको आप कंप्लीट करें, दैट इज योर असाइनमेंट। प्रैक्टिस करने में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं करने में, तो इसका मतलब आपने लर्निंग कर ली है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।